This video, I'm going to explain multiple choice question of year 2011 according to class 9 syllabus. First MCQ, the characteristic of 0.00234 is, beta, agar number 1 se less hoga, 0 point kar hoga, to characteristic negative hogi, aur uske liye aapne sirf kya dekhna hai, kitne zeros maujood hain. 3 जीरो नजर आ रहे हैं, 3 बार, जिसे हम माइनस 3 भी कहते हैं, ये बन जाएगी कैरेक्टरिस्टिक, 3 के ऊपर डैश आ रहा है. नेक्स्ट नंबर 2, x माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4, x माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4, बेटा इन दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट करना है आपको. देखिए बेटा इसका शॉर्टकट टूल क्या होता है, आप एक ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन इतने एक्सपेंड कर सकते हो, बट शॉर्टकट क्या होगा, अगर ये सेम हो ना फिर ये अप्लाई करना, x into x, x square, minus 6 multiply by minus 4, तो minus minus plus हुआ, 6 4 जा, 24, और minus 6 और minus 4, minus 6 और minus 4, अब आपने क्या करना है, इनको ऐड करना है, minus 6 minus 4 बेटा बन जाएगा minus का 10, और साथ लिख दोगे आप x. बेटा आंसर बना x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24. इन अ राइट एंगल टू ट्राइंगल, द साइड ओपोजिट टू राइट एंगल्स, द साइड ओपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज. 90 डिग्री के सामने, राइट एंगल के सामने बेटा हाइपोटेन्यूज होता है. बेटा ये जो नंबर 11th एमसीक्यू है, ये 9th के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है. नंबर 11, 0123 इज द सेट ऑफ 0 है ना, तो होल नंबर. नंबर 12, log टू द बेस 4 ऑफ x, क्या लिखा हुआ है, log टू द बेस 4 ऑफ x इज इक्वल टू -3/2. बेटा x की वैल्यू रिक्वायर्ड है आपको, तो आप क्या लिखोगे, बेस लिखोगे सबसे पहले और स्वैप कर दो, नेगेटिव 3/2 यहाँ लिख दीजिए आप और x यहाँ लिख दीजिए. अब 4 को लिखोगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 3/2 इज इक्वल टू x. ये 2 और 2 कैंसिल आउट, 2 रेज टू नेगेटिव 3 इज इक्वल टू x. बेटा 2 पावर नेगेटिव 3 है, इसको आप लिख लोगे 2 पावर 3, और 2 पावर 3 को आप बोलोगे बेटा 8, तो x की वैल्यू आ गई 1/8. नंबर 13, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 पावर 5 होल पावर 2. बेटा सिंपलीफाई कैसे करेंगे, बाहर लिखा हुआ है -1 अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, पहले आप सिंपलीफाई करोगे -1 पर पावर 5 को, तो माइनस की पावर 5 हो जाएगा माइनस, क्योंकि नेगेटिव नंबर पर अगर ऑड पावर हो, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, 3 बार माइनस है तो आंसर बेटा माइनस आएगा, नेगेटिव रेज टू ऑड पावर माइनस होता है, 1 पावर 5 1 होगा बेटा, क्योंकि 1 1 का 1 होता है, 1 1 का 1 1 1 को जब हम मर्जी आप मल्टीप्लाई करो ना तो 1 ही आंसर आएगा. माइनस माइनस बेटा प्लस को 1 1 का 1 1 स्क्वायर इज 1, तो बेटा यहां पर आंसर है 1. x power 4 plus 64 can be made a perfect square by adding. So, beta, x power 4 plus 64, ये MCQ बेटा पहले जा चुका है 2019-18 में. तो आप इससे कैसे perfect square बनाओगे by adding? तो देखिए, पहले बनता है a square plus b square की form, x power 4 है, x square का whole square, 64 है 8 का square. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बेटा अब बन जाएगा प्लस 2ab, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर 8, x स्क्वायर और 8. दरअसल ना आपने प्लस 2ab कर दिया, ये टर्म यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो गई. अब अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, a प्लस b होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर. अब आप ये देखो कि ये क्या है, 2x स्क्वायर और 8, 2 8 का 16x स्क्वायर, तो x पावर 4 प्लस 64 को जब आपने होल स्क्वायर बनाया
तो प्लस टू ए की वजह से बना है, प्लस टू ए बी को सिंप्लीफाई किया टू एट का 16x स्क्वायर, तो क्या ऐड किया आपने 16x स्क्वायर ऐड किया। नंबर 16th एमसीक्यू, इफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 बी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में ये जो अननोन आ रहा है कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्रॉस करेंगे, 1 पिज़्ज़ा पी 3 2 द 6 बीच में आ जाएगा माइनस, और सिंगुलर का डिटरमिनेंट 0 होता है, 0 से इक्वेट करेंगे तो पी की वैल्यू बेटा आ गई 6, पी इज इक्वल टू 6। नंबर 19th एमसीक्यू, a डिवाइडेड बाय रूट a, बेटा नीचे रूट लिखा हुआ है तो ऊपर आ जाएगा, अगर ऐसे होता ना रूट a डिवाइडेड बाय a सेम होना जरूरी है बेटा, ऊपर रूट लिखा हुआ है तो नीचे आ जाएगा, 1 ओवर रूट a, a ओवर रूट a, रूट a एंड रूट a डिवाइडेड बाय a, आंसर इज 1 ओवर रूट a। नंबर 20, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, x स्क्वायर पर 2 है, x पर 1, लेकिन y स्क्वायर ये दोनों प्रोडक्ट में है ना, तो प्लस 2 मतलब 3 बन जाएगा और y पर क्या है 1, तो आप देखो 2 3 और 1 में डिग्री मतलब हाईएस्ट होता है, 2 3 1 में हाईएस्ट क्या है बेटा 3, ये इसका आंसर होगा। आई होप स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स, इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन कमेंट, इंशाल्लाह वी विल रिप्लाई टू यू, थैंक यू बेटा।